जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापति की 12 घंटे की पुकार अखंड कीर्तन के प्रकार से जारी है। उसके प्रभाव से पहला अनुभव हमारे साथ एक साथी को यह हुआ कि एक बावड़ी सी है, उसमें 4500 स्रोत मोटी धार का फट पड़ा है। फिर वह समुद्र की तरह विशाल होकर धरती को ग्रास करने लगा। प्राणियों से भरी हुई ये पृथ्वी भूचाल की तरह हिल हिलकर अनंत जलराशि के गर्भ में समाने लगी। जिन्होंने ये अनुभव देखा है उन्होंने स्वप्न में ही इस दृश्य से भयभीत होकर जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते चिल्लाना आरंभ कर दिया। इनकी देखा देखी असंख्य प्राणियों ने जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते उच्चारण करना शुरू कर दिया। तब भी पृथ्वी ने गोते तो लगाए परंतु कोई इस ध्वनि का उच्चारण करने वाला डूबा नहीं। उसके बाद में स्वप्न में ही आकाशवाणी हुई, जो इस ध्वनि का उच्चारण करेगा वही बचेगा, नहीं तो ऐसे ही डूबेंगे जैसे तुमने देखे हैं। उसके बाद लाखों तिलकधारी भगवा वस्त्रधारी साधु ब्राह्मण इस ध्वनि से कीर्तन करते हुए दिखाई दिए। वह बड़े आश्चर्यचकित होकर देख रहा था और मन में कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि अभी कल के अवतार में लाखों बरस पड़े हैं और आज ये लोग ऐसे तन में होकर पुकार कर रहे हैं। फिर लिखते हैं एक दूसरे पत्र में, आपकी तपस्या से हमें बड़ा सहारा मिल रहा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी आपके पीछे चल रहे हैं। ये कल्कि मंडल के लिए आप सब लोगों के लिए लिखा है उन्होंने, आपकी तपस्या से हमें बड़ा सहारा मिल रहा है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, हम भी आपके पीछे चल रहे हैं। जिस प्रकार जान जोखिम में पड़े हुए बीमार को कोई अपना खून देकर बचाने के लिए ये आ खड़ा हो, उसी प्रकार आप और आपका सब परिवार, मैं बाल बच्चों समेत हम सब की रक्षा के लिए, सदग्रंथों के सम्मान की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, कल्कि भगवान महाराज को पुकार कर उनके नाम का उच्चारण कर आप सब हम सबके उद्धार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप समष्टि के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। इसलिए भगवान ने आपको पहली पंक्ति में पहली सत में भगवान ने सत्यों के दरबार के लिए चुना है। गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं कि कल्कि भगवान ने कहा है, जो इस समय बिना कष्ट पाए आराम के साथ गद्दों पर लेट लेट कर नाम जपेंगे, बिना कोई कसाला उठाए कल्कि कल्कि कहेंगे, उनको अगले जन्म अवतारों के से मिलेंगे और अवतारों का सा तेज मिलेगा, भगवान में और उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। गाय के रोम रोम का बदला षष्ठी को चुकाना पड़ेगा। इस वक्त की गौ हत्या का पाप जो भारत में हो रही है, कल्कि नाम के उच्चारण से ही पाप ये पाप कटेगा। आप लोगों के जीवन सुखमय बनेंगे। बड़े भाग्यशाली आप लोग जो भगवान ने आपको अपना नाम लेने के लिए चुना है। काम ही ऐसा भारी है, इसमें सुख दुख लाभ हानि को बराबर समझते हुए महाराज के चरण पकड़कर लटके रहने का काम है। धीरज को कभी ना छोड़ना। कल्कि नाम की शक्ति में से प्रचंड शक्तियां प्रकट होंगी, जिनसे भक्तों का, भारत का, गौ ब्राह्मणों का उद्धार होगा। प्रतिपक्षी सब विध्वंस होंगे। महाराज की लीला अंदर ही अंदर शक्ति बटोर रही है, किसी दिन ज्वालामुखी की तरह प्रकट होगी। बड़ी पतिव्रता स्त्री की तरह बड़ी वफादारी के साथ कल्कि भगवान महाराज के चरणों में मस्तक रखे हुए जय कल्कि जय जगतपति पद्मापति जय रमापति कहे चले जाएं। कोई भी आए कह दो, हमें बात करने की फुर्सत नहीं है। हम विधाता से अपने माथे में कल्कि नाम लिखवा कर लाए हैं। किसी की 100 बार गर्ज पड़े हमारे साथ बैठकर कल्कि कल्कि करे, नहीं तो रास्ता नापे। ये मंत्र, ये भगवान के चरण, भगवान का ध्यान, यही हमारा तोसा है, यही हमारा भरोसा है, यही हमारा हथियार है, यही हमारा लोक है, यही हमारा परलोक है। कल्कि भगवान ही हमारे हृदयेश हैं, यही हमारे प्राणेश्वर हैं। कल्कि भगवान ही हमारे ज्ञान ध्यान के मूल स्रोत हैं, मूल कारण हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, यही हमारे पति हैं। जो विद्या इनसे परे हटाए वही अविद्या है, राक्षसी माया है। हमारे भगवान हमें आत्मज्ञान सिखाते ही नहीं, समझाते ही नहीं, दिखा देते हैं, भर देते हैं। हम उनके दोनों प्रकार के रूप, सगुण और निर्गुण रूप, उनके चरणों की नमस्कार करने की बदौलत देख चुके हैं। भगवान का काम नजदीक आ रहा है। श्री गुरु लक्ष्मीनारायण जी लिखते हैं, आनंद के साथ बड़ी निश्चिंतता से प्रसन्न होकर महाराज का ध्यान रखते हुए आगे बढ़े चलो। हम आपके विश्वास में बैठे हैं, जैसे बहुत बड़ी बात लिखी उन्होंने, हम आपके विश्वास में बैठे हैं जैसे रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी पर विश्वास था और आपको दाहिनी बात समझ रहे हैं। ये लिखा है उन्होंने पत्र में, महावीर पंडित महावीर जी के पत्र में। पर एक सभी कल्कि मंडल के सभी भक्तों के साथ ये होता है, हम यदि समझे कि हमारे लिए लिखा है तो ये हमारे लिए लिखा है। हम आपके विश्वास में बैठे हैं जैसे रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी पर विश्वास था
और आपको दाहिनी बात समझ रहे हैं। इस कूड़े को हटाने का भार कल्कि भगवान ने तुम्हारे कंधों पर रखा है। कामयाबी हो गई तो तीनों लोकों में 14 भुवन में जय जयकार हो जाएगी कि कलयुग इन लोगों ने कटवा दिया। यह समय रात दिन नाम जपने का है, सावधानी के साथ महायोग में रहकर। जो कल्कि भगवान अपनी शक्ति से अरबों आदमियों का संहार करने वाला इतना बड़ा महाभारत रचेंगे और गौ मांस के खाने वालों का कत्लेआम करके इस प्राचीन हिंदू धर्म की स्थापना करेंगे, जो इस समय कदम कदम पर ठुकराया जा रहा है, उनका अपने बीच में प्रकट होना है। भार भारी था, सारे संसार के राक्षस आपस में कटकर मरने हैं। कल्कि भगवान की लीला बड़ी विशाल व जगमगाती है। जैसे जैसे नाम जपोगे प्रकाश मिलता जाएगा। कल्कि भगवान का दिखाया नितांत सत्य मार्ग है। कल्कि भगवान ईश्वर के नाम व ध्यान के प्रभाव से यह सिद्ध हो चुका है कि हिंदू धर्म सत्य है। इसका एक वारिस भी है जो संसार की सभी अदालतों से परम शक्तिमान है। उसने कल्कि रूप से अवतार लिया हुआ है। काम बहुत बड़ा था। सारे जगत की जीवात्मा भगवान विष्णु गौ ब्राह्मण हिंदू धर्म से बैर कर रहे हैं। कल्कि भगवान के नाम के उच्चारण से उन देशद्रोहियों पर मार पड़ेगी और सजा मिलेगी। विजय हमारी ही है, इस लोक में भी और परलोक में भी। एक एक श्वास बड़ा कीमती है, इसे बेकार मत जाने देना। भगवान साथ देने के लिए अपने भक्तों पर ही भरोसा कर सकते हैं और आस लगा सकते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम उसमें फर्क ना आने दें। हमें मार्ग बहुत बढ़िया मिल गया, सफलता भी मिली, परंतु काम ही बड़ा है। हर प्रकार से हमारे हाथों में लड्डू है। अजर अमर होने का यही मार्ग है, सनातन से रहा है और रहेगा। बाकी सब कलयुग की आंधियां बुरी तरह मार खाकर समाप्त होंगी। फिर एक अलग पत्र, एक दूसरे पत्र में जो उन्होंने लिखा, यह काम जानबाजी का है। सारी सृष्टि की शक्ति ही शत्रु थी, सो कल्कि नाम से कट रही है। इस समय हमें और आपको जो सुख मिल जाए वही आश्चर्य है, कल्कि भगवान महाराज की महिमा है। नाम जप में मालाओं में महाराज के लगे रहना महाराज का संदेशा है। जो लोग लगे रहेंगे उनको अवतारों के से तेज मिलेंगे। कल्कि भगवान को प्रकट होने के लिए ही रात दिन नाम जपते रहना, समय खाली बर्बाद न होने देना। कल्कि भगवान अपना हिसाब शस्त्री से व्याज सहित चुका लेंगे। अत्यंत धार्मिक होना परम आवश्यक है। समय समीप ही आ रहा है। कल्कि भगवान के नाम जप से ही कल्कि भगवान प्रकट होंगे और निश्चय प्रकट होंगे। भारत भूमि में करी हुई तपस्या निष्फल नहीं जाती। कल्कि भगवान का नाम जप ही सब तपस्याओं से बढ़कर है और अद्वितीय है। एक दूसरे के उन्होंने ये जो संदर्भ समझाया है, तो कल्कि के चरण लासा नहीं, जैसे दो गेहूं पीसने की जो दो फत्तर की जो होती है चक्की, तो उसमें सभी दाने पीस जाते हैं, पर जो बीच का जो जिसको लासनी कहते हैं वहाँ पर जो दाने रह जाते हैं वो बच जाते हैं। तो गुरु जी यही कह रहे हैं कि कल्कि के चरण लासानी है जो अमर द्वारे खोल रहे हैं। ये काल चक्र की कहानी है, चारों ओर मौत की निशानी है, पर जो कल्कि भगवान के चरण का आश्रय जो ले रहे हैं वो उनके लिए कल्कि भगवान अमरता का द्वार खोल रहे हैं।